स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों रिजल्ट को लेकर सारे बच्चे दो चीजें सोच रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा पजल बन गया कि कब आएगा, एंड सीबीएसई इज कंफ्यूजिंग यू ऑल। सीबीएसई ने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ है, और कैसी आएगी ये भी बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैंने इतने 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 क्वेश्चन किए, मैं पास होऊंगा या फेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपकी कॉपी नहीं देखी है, बट जिन्होंने भी अटेम्प्ट्स लिए हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो आपका जो रिजल्ट है वो डिले तो ऑलरेडी हो गया है, अब जिसका जो भी रीज़न हो सीबीएसई के पास, चाहे इलेक्शन रीज़न हो या फिर आईसीएसई के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, तो टू मेक इट पैरेलल, क्योंकि कॉपी चेकिंग हो गई है, बट वो जो होता है मॉडरेशन ग्रेस वो सब अभी भी उनके हाथ में है, तो सो इफ दे कैन डू एनीथिंग अबाउट इट दैट इज़ गुड। लेकिन इससे हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बच्चों की परेशानी दिख रही है, एंड दिस हैज स्पार्क मीम फेस्ट ऑनलाइन विद सोशल मीडिया फ्लडेड विद हिलेरियस जोक्स एंड मीम्स ऑन सीबीएसई, क्योंकि पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स सभी बड़े परेशान हैं कि रिजल्ट कब आएगा। और रिजल्ट को लेकर सीबीएसई ने एक तरफ तो कहती है कमिंग सून, नोटिफिकेशन जारी कर देती है, वेरिफिकेशन का सर्कुलर आ जाता है, और उसके बाद रिजल्ट के साइट पे दिखता है 20 मई, तो इट इज क्वाइट कॉन्ट्राडिक्टरी ऑल्सो। तो कुछ साइट्स हैं जो ये कह रही है कि सेकेंड वीक टू थर्ड वीक के बीच कभी भी रिजल्ट आ सकता है। हालांकि सीबीएसई ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो करी है ये आपको पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार बच्चे सचमुच नहीं करते ये चीज़, और बाद में जब डेट खत्म हो जाता है तो बोलते हैं। ये जो सीबीएसई ने आपके लिए तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस निकाले हैं, वेरिफिकेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको क्या इंश्योर करता है, इट इंश्योर्स अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ योर मार्क्स। दैट मीन्स कि यू कैन अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन, आपको अगर लगता है कि आपकी कॉपी में रीटोटलिंग में फॉल्ट है तो आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन विद इन द गिवन पीरियड जो 5 दिन का होता है। इसके बाद मान लो आप यहाँ पे आपके मार्क्स, पता है आप लोगों को ये पता होना चाहिए 20-20, 25-25 मार्क्स बढ़ते हैं इस प्रोसेस से, अगर यहाँ नहीं बढ़ा तो आपको फिर फोटो कॉपी यानी कि आंसर स्क्रिप्ट की जो स्कैन कॉपी है वो आप मंगवा सकते हो 19th to 20th day ऑफ द रिजल्ट डिक्लेरेशन के बीच, यानी कि 2 दिन का विंडो पीरियड होता है। इसके बाद करोगे, इससे पहले करोगे तो फिर आपको स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी, सो बी अवेयर, सीबीएसई के साइट से हमेशा कनेक्टेड रहो। और थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन, यानी कि आपको बिलीव है कि फलाने क्वेश्चन में मेरे मार्क्स कम मिले हैं तो आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करोगे, और मार्क्स बढ़ते हैं, सबके नहीं बढ़ते ऑनेस्टली, अगर आपके जितने दिए हैं वही बहुत सफिशियंट है तो नहीं बढ़ेंगे, दैट यू ऑल्सो नो, लेकिन अगर जेन्युइनली किसी के मार्क्स कटे हैं तो उनको मिलते भी है मार्क्स, तो डेट के हिसाब से इसीलिए सीबीएसई ने अवॉइड करने के लिए दिया है। इट डज नॉट मीन कि बच्चे ज़्यादा नंबर में फेल हो गए। डिजी लॉकर पे सीबीएसई का नोटिफिकेशन आ गया था, जैसे आईसीएसई का 2 दिन पहले आया और आईसीएसई का रिजल्ट आ गया, सिमिलरली हिमाचल बोर्ड का जैसे नोटिफिकेशन आया 2 दिन के भीतर रिजल्ट आ गया, सीबीएसई का भी 2 दिन पूरा हो गया 8 मई को जब नोटिफिकेशन आई, अब 10 मई तो आज ही है और हाफ डे बीत चुका है और सीबीएसई का कहीं कुछ अता पता नहीं है, तो आज मिलने के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल है। बट यस, कल वी कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि आज से लेकर के 15 मई तक हम कभी भी रिजल्ट आपका एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई के डिजी लॉकर पे यही दिखा रहे हैं रिजल्ट इज कमिंग वेरी सून, और इस नोटिफिकेशन का मतलब ही होता है 2-3 दिन में रिजल्ट का आ जाना। वेरिफिकेशन सर्कुलर भी सीबीएसई ने निकाला, उससे पहले एक सर्कुलर निकाला जिसमें बताया कि रिजल्ट इज कमिंग सून, बट सीबीएसई की जो साइट है उस पर रिजल्ट जो है वो अभी भी 20 मई ही दिखा रहा है, जो एक बार डाला है वही डाला है, क्योंकि साइट 2 मई के बाद अपडेट नहीं हुई है ना। रिजल्ट जब भी आएगा 12th का ही पहले आएगा, फिर 10th का आएगा एज पर द प्रोटोकॉल, जबकि कॉपी चेकिंग वगैरह 10th की पहले होती है, ज़्यादातर चांसेस है सेम डे आ जाए, सुबह 10 बजे के आसपास 12th का और 2 बजे सबके आसपास 10th का, या फिर नेक्स्ट डे, तो चांसेस है कि कल भी आपके रिजल्ट आ सकते हैं। रिजल्ट हाँ, अगर डिले हो रहा है तो एरर प्रूफ तरीके से करने की कोशिश की जा रही है, सीबीएसई ने आपको खुद बताया ट्राइंग हार्ड कि आईसीएसई के साथ कॉम्पेटेबल स्टेट में आ जाए। एंड थर्ड रीजन जो डिले का है वो इलेक्शन, इलेक्शन की वजह से इनके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो थोड़ा सा कम है ना, सो वी अगर डिलेड रिजल्ट आया तो वी आर एक्सपेक्टिंग बेटर रिजल्ट देन लास्ट ईयर। और आप सबको रीचेकिंग रीवैल्यूएशन तक जरूर रोकना चाहिए, पासिंग परसेंटेज इस बार 10th का 90+ तो जाना ही चाहिए, 92-93 ऐसे भी मिनिमम रहता ही है 10th का, और 12th वालों का लास्ट ईयर डिप हो गया था, बट 90s में 12th वाले भी रहते हैं, पर सिंस इस बार लीनियंसी ज़्यादा बढ़ती गई है, स्टेप मार्किंग दी गई है, देन आपको अटेम्प्ट लेने के खूब नंबर मिले हैं, तो इस वजह से प्लस बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मॉडरेशन लगा है, प्लस ग्रेस मार्क्स भी दिए गए हैं,
इन सब चीजों को देख करके लगता है कि परसेंटेज तो आपका पासिंग अप ही है। और इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 5 से ज्यादा सब्जेक्ट लिए वो भी ज्यादा है। सो एक्सपेक्टेशन ये है कि रिजल्ट आपका बढ़िया आएगा, और जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे 5 से 10% के बीच ज्यादा आता है। यानी कि अगर आप अपने प्री बोर्ड के रिजल्ट देखो उसमें 10% आप ऐड कर दो, ऑन एन एवरेज उतना बढ़ जाता है बच्चों का। एक आधा स्टूडेंट ही ऐसा होगा जिसका घटता होगा, बट अगर मैं करेंटली सीबीएसई की वेबसाइट पर रिजल्ट टैब को क्लिक करूँ तो अभी यही दिख रहा है यहाँ पर भी आफ्टर ट्वेल्थ में, और लेटेस्ट न्यूज में भी यहाँ पर बेटा 20th मई ही दिख रहा है। तो इससे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सीबीएसई करना क्या चाहती है। अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑफ नोटिफिकेशन उसको आजकल में देना चाहिए, बट यहाँ पर ये अभी भी अडिग है, तो कह नहीं सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा, बट हाँ देखा जाए तो कल तक आ सकता है रिजल्ट आपका डिजी लॉकर पे। आप सबको डिजी लॉकर, जिन जिन ने अभी तक वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया डू रजिस्टर इट, ठीक है, क्योंकि डिजी लॉकर रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट आपका फाइनली वहां सेव होगा, वहां आधार लिंक करना जरूरी होता है। अगर आपके पास आधार लिंक नहीं किया हुआ है तो भी रिजल्ट तो आप देख सकते हैं, बट आपको आधार लिंक करना पड़ेगा क्योंकि वहां कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखता है आधार के अलावा। जब तक आप साइन इन करोगे उसके लिए आपका आधार लिंक होना जरूरी है। रिजल्ट के देखने के तो बहुत सारे तरीके हैं, बट फॉर सॉफ्ट कॉपी आपको आधार कार्ड होना चाहिए। टेकिंग फ्यू कमेंट्स इंग्लिश में, बेटा इंग्लिश में डरने की जरूरत नहीं है। यस, इंग्लिश रिप्लेस नहीं होता है, लैंग्वेज इज नॉट रिप्लेस्ड। 6 में से अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो उनका पासिंग ईयर कौन सा होगा? बेटा अगर 6 में से 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए यानी कि आपको 1 सब्जेक्ट में और पास होना है ताकि आप पास हो जाए, तो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम होगा करेक्ट 1 महीने बाद। अगर जस्ट इन केस इफ एनीबॉडी फेसेस दिस कि 6 में से 2 में आप पास नहीं, यानी कि आप 4 सब्जेक्ट में पास है, आपको ओवरऑल पास होने के लिए 1 सब्जेक्ट चाहिए, तो 1 कंपार्टमेंट एग्जाम में आप क्लियर कर लोगे तो आप इसी साल पास हो जाओगे, तो आपका पासिंग ईयर हो जाएगा यही वाला करेंट ईयर है। लेकिन अगर कंपार्टमेंट नहीं क्लियर होती है नेक्स्ट ईयर देंगे हम एग्जाम तो फिर तो अगला साल होगा हमारा पासिंग ईयर। इज इट ट्रू दैट सीबीएसई गिव्स 2 more grace marks टू पास इफ स्टूडेंट? हाँ बेटा ग्रेस मार्क्स देती है, 2 से ज्यादा ही देती है। डोंट पास बाई ग्रेस ऑफ 3 to 5 marks इन लास्ट ईयर। क्लास स्पेसिफिक नहीं है, देते हैं मगर हाँ बिल्कुल सारे बच्चे पास हो जाए, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। सीबीएसई गिव्स 2 more marks। हाँ बेटा यस यू विल बी गेटिंग ग्रेस मार्क्स। थैंक यू मैम, आप टेंशन दूर कर दी, थैंक यू सो मच बेटा, दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू। मैम मुझे कुछ नहीं आता था लेकिन मैंने सब कुछ लिखा है बना बना कर। बेटा अगर बना बना कर लिखा है तो आई होप यू विल पास, क्योंकि रेलिवेंट अगर आंसर है बना बना के का मतलब रेलिवेंट भी होना चाहिए। अगर इररेलीवेंट है तो फिर आई डोंट नो, बट अगर आपने रेलेवेंट लिखा है तो आपको टीचर पास कर देंगे, इतना तो टीचर भी एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं। 10th में मैथ्स में 11 MCQ करेक्ट है, बाकी अटेम्प्ट किया है। हाँ बेटा पास हो जाओगे 10th में, तो बेटा अगर 13 से 15 नंबर में ही बच्चे पास हो जाते हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल में इंटरनल जो होता है उसमें आपके प्रिंटी में कम से कम मिनिमम 18 तो आए ही होंगे करेक्ट। तो 10th वालों को इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि आपको याद दिला दो 10th में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको पास होना है। 12th वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि थ्योरी में सर्टेन नंबर लाना है, 70 में 23 और 80 में 26 नंबर लाना है, दैट मेक्स इट अ लिटिल डिफिकल्ट। हालांकि सीबीएसई को इस पे थोड़ा वर्क करना चाहिए, बट सीबीएसई ने अभी तक इस पे कोई वर्क नहीं किया है, उल्टा सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ाती है। बट चूंकि इस साल सीबीएसई ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, दैट इज और लास्ट ईयर का रिजल्ट अच्छा नहीं था, 6% डिप हुआ था, तो सीबीएसई ने लास्ट टाइम अभी आपने देखा एग्जाम के टाइम ही आपके सीबीएसई के हेड को चेंज किया गया था। सो काफ़ी चीज़ें इस आपके हित में हो रही हैं, एरर फ्री तरीके से करने की कोशिश की जा रही है, तो वी आर रिज्यूमिंग कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल पास, बट देर विल बी सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विल गेट कंपार्टमेंट, बट नो वरीज 1 महीने बाद आपका कंपार्टमेंट एग्जाम होगा एंड वी विल क्लियर इट राइट। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड स्टे अपडेटेड विद द चैनल।